हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एन्जॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस. सो स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स, एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3, अ ट्रिप ऑफ भोपाल. ओके, सो वी विल कैलकुलेट द सम्स. ओके, वी विल कंप्लीट अप टू चैप्टर नंबर 2. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2, मैथ्स यूनिट नंबर 3, अ ट्रिप ऑफ भोपाल. अ ट्रिप ऑफ भोपाल. ओके, तो इसमें हम सम स्टार्ट करेंगे. क्या है? डिस्क्राइब ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल गोइंग ऑन अ ट्रिप टू माउंट आबू फ्रॉम अहमदाबाद. ये इसमें डिस्क्राइब किया है कि जो चिल्ड्रन माउंट आबू से अहमदाबाद की ट्रिप में गए हैं इन बस आर गिविंग बिलो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस. फर्स्ट हमको क्या है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या करना है, ये टेबल जो है उसको कैलकुलेट करना है. देखो इसमें हम, ये क्या है, 31 टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं. देखो स्टैंडर्ड टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो अब हमको इसका टोटल करना है. इसमें नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे, 31, 30, 43, 52 एंड 56. तो आपको इन सबको प्लस करना है. तो देखो 3 प्लस 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12. तो यहाँ पे 1 कैरी प्लस 2. 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 212. तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 212. ओके, अब हम फर्स्ट नंबर करेंगे. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. तो टोटल कितने चिल्ड्रंस ट्रिप पे जाते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या आएगा, देखो, देयर आर टोटल 112 चिल्ड्रन गोइंग ऑन ए ट्रिप. ओके, अब हम सेकेंड नंबर करेंगे. तो देखो देयर आर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, हमने इनको प्लस किया था, 212 चिल्ड्रन आर गोइंग अ ट्रिप. ओके, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 1212. अब सेकेंड नंबर, हाउ मैनी चिल्ड्रंस विल गेट सीट इफ दे आर बी सीटेड इन अ 4 बस हैविंग 52 सीट्स. ओके, सो अब हम ये सब में हमको क्या करना है, तो सेकेंड नंबर में हमको 52 सीट्स मल्टीप्लाई बाय 4 बसेस. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो हम कितने स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी, 4 2 8, 4 5 20. तो कितने स्टूडेंट्स को सीट्स मिली, 208 चिल्ड्रंस विल गेट सीट्स. ओके, अब हम 12 सेकेंड नंबर में सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. हाउ मैनी चिल्ड्रंस विल बी लेफ्ट विथआउट सीट. कितने चिल्ड्रंस विथआउट सीट के लेफ्ट हुए हैं. तो हमको क्या करना है, टोटल चिल्ड्रंस माइनस जो सीट, जितने स्टूडेंट्स को सीट मिली है. तो यहाँ पे हमारे टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 212 माइनस 208. ओके, ये कितने हैं हमारे टोटल चिल्ड्रंस हैं. ये क्या है, ये हमारे टोटल चिल्ड्रन हैं. और ये क्या है, चिल्ड्रन विल गेट सीट्स. इतने चिल्ड्रन को क्या सीट्स मिली है. ठीक है, तो देखो अब 2 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे. तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या जाएगा, 12. 12 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा, 4. और 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0. सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर चिल्ड्रंस
आर लेफ्ट, फोर चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट, विल बी लेफ्ट। कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट है? फोर चिल्ड्रन। तो देखो ये सेकेंड नंबर का हमारा सॉल्यूशन है। फर्स्ट में क्या था, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट इफ दे आर बी सीटेड इन फोर बसेस हैविंग 52 सीट्स। तो 52 सीट्स मल्टीप्लाई बाय फोर बसेस, तो टोटल अपना आंसर क्या आया, 208 चिल्ड्रन विल बी गेट सीट। और इसमें क्या पूछा था, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल बी गेट विदाउट सीट। तो टोटल चिल्ड्रन माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वी हैव दैट दे गेट सीट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस चिल्ड्रन विल गेट सीट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। अब इसमें देखो थर्ड नंबर में हमको क्या करना है, इसमें हमको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स इफ देयर आर टू बी सीटेड इन बस 35 सीट्स। ओके, एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट विदाउट सीट। तो हमको इसमें क्या करना है, 35 सीट्स, तो देखो 35 सीट्स मल्टीप्लाई बाय 6 बसेस। हम कितने बसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 5 30, 6 3 12, 6 3 18, सॉरी 6 3 18 प्लस 3, तो 210। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 210। ओके, अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विच हैव सीट्स। तो देखो 212 चिल्ड्रन माइनस 210 चिल्ड्रन, तो 2 में से 0 गए तो 2, यहाँ पे 0 0, तो 2 चिल्ड्रन बी लेफ्ट। ओके, अब फोर्थ नंबर हम करेंगे। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या है, हाउ मैनी बसेस विल, तो जस्ट अ सेकेंड में इसका थर्ड नंबर का आंसर एक बार चेक कर लूं। ओके, चलो बी फाइन। फोर्थ नंबर हम करेंगे, हाउ मैनी बस विथ सीट 35 सीट्स आर नीडेड इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 245 एंड ऑल द चिल्ड्रन गेट सीट। तो हमको इसमें क्या करना है, देखो डिवाइड करना है इसको, 245 डिवाइडेड बाय 35। तो 35 के टेबल में 245 का बता है 35 सेवन्स, तो यहाँ पे 245 माइनस 000, तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे कितना आंसर आया हमारा, 7। अब हम 5 नंबर करेंगे, इफ बस डज नॉट स्टॉप एनी वेयर इट विल टेक 6 आवर्स टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू। माउंट आबू इज अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद। If it's 7 o'clock in the morning, then when will we they reach? So, देखो अब हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, बी, 1 o'clock in the afternoon। अगर वो बस 6 घंटे में 230 किलोमीटर पार कर सकती है if does not stop anywhere, कहीं पे भी स्टॉप किए बिना, अहमदाबाद टू माउंटेन, तो माउंट आबू से 230 फार अवे फ्रॉम 7 o'clock, तो उनको कितना आवर्स ज़्यादा लगेंगे, देन वी दे विल रीच द अहमदाबाद, तो 1 o'clock in afternoon, वो कब आएंगे, 1 o'clock in afternoon। ओके, तो 5 नंबर में मोस्टली कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, ये आप लॉजिकली भी सो देख कर सकते हो। अब मैं आपको 6 नंबर करवाऊँगी। सिक्स नंबर देखो, सिक्स नंबर में क्या है, बट बस विल स्टॉप इन बिटवीन पालनपुर। अगर माउंट आबू से अहमदाबाद की बस आती है और वो पालनपुर पे स्टॉप होती है, पालनपुर इज 145 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, पालनपुर अहमदाबाद से कितना किलोमीटर है, 145 किलोमीटर।
सो इट विल टेक 3 hours टू रीच देयर. सो इफ इट इज 7 o'clock नाउ देन व्हाट विल द रीच, तो वो कब पहुँचेंगे, बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock, वो कब पहुँचेंगे, 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में वो लोग पहुँच जाएंगे. सो इसका आंसर क्या आएगा, बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock. ओके अब हम 7 नंबर करेंगे. ए 345 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज कम्स व्हाइल पासिंग थ्रू द रोड, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ रिवर. देखो तो उसकी रिवर की विड्थ क्या होगी, जस्ट ए सेकेंड. Just a second. Okay. Then the width of a river is also 345 centimeter. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसकी विड्थ भी क्या होगी, The width of the river, the width of the river is also 345 मीटर. उसकी विड्थ क्या होगी, वही की वही रहेगी 345 मीटर. ओके ऑल्सो इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग, बस अगर बस 5 मीटर लॉन्ग है, देन हाउ मैनी बस कैन स्टैंड इन अ वन लाइन ऑन द ब्रिज. तो देखो इसमें क्या है, देखो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है. इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग एंड द मीटर्स ऑफ ब्रिज इज 345 और उसकी ब्रिज की उसकी क्या है 345 है, तो देन 69 बसेस स्टैंड. तो देखो हमको क्या करना है, 345 को डिवाइड कर देना है, एक मिनट 345 को हमको ये सब में क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ. सो अब हम 345 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 के टेबल में 34 नहीं आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 सा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 5 के टेबल में 45 कब आता है, 9 सा तो यहाँ पे 45, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 69 बसेस विल स्टैंड. ओके देखो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, तो 345 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 69. ओके अब 9 नंबर में क्या है, ए द वाटर लेवल ऑफ 36 मीटर बिलो द ब्रिज बट द रेनी सीजन दिस लेवल इज 70 मीटर्स बिलो, देन द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन द रेनी सीजन. तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 नंबर में ए में 36 मीटर माइनस 17 मीटर्स, 36 मीटर माइनस 17 मीटर्स करेंगे तो 6 में से 7 तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे 16 माइनस 7 करो, चलो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारा टोटल कितना डिफरेंस होगा, 19 मीटर का हमारा डिफरेंस होगा. ठीक है तो इसमें टोटल कितना डिफरेंस है, इन रेनी सीजन द बस लेवल इज 17 सेंटीमीटर बिलो द ब्रिज एंड इज नाउ द लेवल इज 36 मीटर, दस ओनली 19 मीटर डिफरेंस इन अ वाटर लेवल. तो 36 में से आपको 17 को माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा. अब हम इसी में बी करेंगे. ओके बी, इफ इट्स रेन मच एंड द वाटर लेवल इज ओनली 8 मीटर बिलो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस. तो देखो 36 मीटर माइनस 8 मीटर्स, तो 36 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16, हमारा आंसर क्या है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 28, तो कितना मीटर्स का होगा, 28 मीटर्स डिफरेंस. टोटल कितना डिफरेंस है, 28 मीटर्स. 10 नंबर, बस स्टॉप एट द पेट्रोल पंप टू फिल द डीजल, इफ इट टेक 6 मिनट्स टू फिल द डीजल वन बस, देन हाउ मच टाइम्स विल इट टेक टू फिल डीजल इन 5 बसेस. तो अगर एक बस को फिल करने के लिए 6 मिनट्स का टाइम लगता है, तो उनको अगर 5 बस को 5 बस में डीजल फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो हमको क्या करना है इसमें. देखो 10 नंबर में हम क्या करेंगे, 6 मिनट्स
मल्टीप्लाई बाय 5 बसेस, तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 6 × 5 का कितना होता है 30, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 मिनट्स। ओके देखो ये देख लो आप लोग, ये है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर का सॉल्यूशन, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ में तो आंसर ऑलरेडी है ही, 6, 7, 8, 9, 10। ओके थैंक यू। देखो आपका ये चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, 11 to 19 जो सम्स बाकी हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके थैंक यू, बाय।